ये लीजिए। रुखसार, ये क्या ऑटो रिक्शा में आई हो? गाड़ी क्या खराब हो गई? असलम को मर्सिडीज बहुत पसंद है ना दादा हुजूर, इसलिए मैं उनके पास छोड़ाई हूँ। अच्छा। चल बेटी सूप पी ले। हाँ मुझे, और मुझे भूख नहीं है। अरे मियाँ असलम, जरा समझाओ इसे, ये माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में भूखे पेट रहना ठीक नहीं। अगर सूप नहीं पीना है तो जूस पी लो। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं कर रही। अगर जूस नहीं पीना तो दूध पी लो। अरे तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? जाकर दूध लेकर। यो पहले आप लोगों का फैसला तो करना, दूध होना, सूप होना कि जूस होना। अच्छा मेरे लिए एक ग्लास दूध ही ले आओ। अब भी लेकर आती ना। ये क्या किया? आज ठोकर लगी ना। जब हमने पूछा ही नहीं, तूने क्यों कहा कि तूने कुछ नहीं किया? हा? नहीं नहीं साहब, मैं क्या तो भी नहीं की, कुछ नहीं। इतनी नीच सलील औरत, बता किसकी साजिश है ये, बता वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को ना कुमार साहब, मेरे को जाने को दो, मेरे को जाने को दो। अब तो तू सीधा कब्रिस्तान जाएगी। तूने दूध में जहर क्यों मिलाया? नगमों के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? बोल। नहीं साहब, मेरी क्या तो भी नहीं, दुश्मनी तो रुखसार मेम साहब की है। उन्होंने मेरे को यहाँ नौकरानी बनाकर भेजी। नगमा मेम साहब को जहर देखो, उनको और उनके होने वाले बच्चे को मार डालना। बोल को झूठ बोलती हो तुम, बकती हो। रुखसार इतनी जलील हरकत कर ही नहीं सकती। कहीं को नहीं कर सकती साहब, कोई भी औरत करती। बोले तो आज जो जायदाद नगमा मेम साहब के होने वाले बच्चे के नाम है, फिर से उनकी औलाद की हो जाती ना, फिर आप भी तो उनके हो जाते ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उन्हें मेरे को बहुत सारे रुपए दी साहब, उन्हें ये साहब, ये उन्हें मेरे को दी। इतना सब एक गरीब आदमी को दिए तो कौन से गरीब आदमी का ईमान नहीं डोलता साहब? ये तो रुखसार की ब्रेसलेट है। वो मामला बिल्कुल साफ है असलमिया, अब हमारी भांजी पर हमला भी होने लगा है। क्या तुम ये सारी बातें रुखसार के सामने कह सकती हो? हाउस साहब, मैं उनके सामने बोलती। खामोश। हमारी बहू कभी ऐसा जलील कदम नहीं उठा सकती। बेवकूफो, ये तो एक ऐसी नेक औरत है कि जिसके साए में अगर शैतान भी बैठ जाए तो फरिश्ता हो जाए। दादा हुजूर, बिल्ली की लाश टेबल पे पड़ी है, दूध में जहर डालने वाली आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप रुखसार को बेकसूर समझ रहे हैं? इस औरत को खरीदा भी तो जा सकता है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि इसे रुखसार ने खरीदा है? कोई और भी तो खरीद सकता है। इसे रुखसार ने ही खरीदा है नवाब साहब, और ये रहा सबूत। दादा हुजूर, ये मेरा ये ब्रेसलेट नगमा की शादी में कहीं खो गया था। सुन लिया? सुनना क्या है, सबूत के साथ पकड़ी गई तो ब्रेसलेट खो जाने का बहाना बना दिया। असलमिया, ये अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी, बड़ी फरेबी और मकार है ये। मैं तो कहती हूँ इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं असलम, ऐसा मत करना। असलम, इस पर कोई रहमत करो, तोड़ दो इससे तमाम रिश्ते नाते। हाँ हाँ, तलाक दे दो इसे। रुखसार, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें। नहीं नहीं असलम, नहीं, खुदा के लिए मुझे मुझे तलाक मत देना, मुझे तलाक मत देना असलम, मुझे मुझे ये गुनाह कबूल है। रुखसार। जी हाँ दादा हुजूर, नगमा को जहर देने के लिए मैंने ही इस औरत को भेजा था, मुझे अपना गुनाह कबूल है असलम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कभी तलाक मत देना, मुझे कभी तलाक मत देना। रुखसार, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो,
तलाक के डर से ये गुनाह अपने सर न लो, कह दो कि ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं दादा हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही नगमा को जहर देने की साजिश की थी। मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, यही तुम्हारी सजा है। अरे नामुरादो, तुमने असलम की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। मेरी बहू पर झूठी तोहमत लगाने वालों, निकल जाओ इस हवेली से, निकल जाओ। जाते हैं जाते हैं नवाब साहब, लेकिन याद रखिए मैं भी अजगर हूँ जो दस्ता नहीं निकल जाता हूँ। हाँ चल, तुझे तो मैं हवारा तो बंद करवाऊंगा। चल कर लेना साहब, काय को मेरे को पकड़ दे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। Waffa.